बहुत लोग को जो है तकलीफ़ होती है कि भाई ये सॉफ्टवेयर जो है हम लोग महिंद्रा का किस तरीके से इंस्टॉल करें और कैसे जो है वो आईडी भेजे। तो आज जो है मैं आपको वीडियो में जो है बता रहा हूँ कि वो आईडी किस तरीके से भेजेंगे। तो सबसे पहले जो है ये महिंद्रा का सॉफ्टवेयर है, तो इसको जो है हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसको जो है मैं एक्सट्रैक्ट फाइल करूँगा और इसके अंदर पासवर्ड मांगेगा। तो आप जिससे भी लेते हो पासवर्ड, इसके अंदर भी पासवर्ड नहीं है लेकिन आप जिससे भी लेते हो तो पासवर्ड मांगता है। जैसे कि यहाँ पर अब आ गया पासवर्ड, जैसे कि आई स्मार्ट है तो मुझे जो है सॉरी ये मेरा आई स्मार्ट है। अब मुझे आई स्मार्ट को जो है एक्सट्रैक्ट करना है। आई स्मार्ट को मैं क्या करूँगा, एक्सट्रैक्ट फाइल करूँगा। यहाँ पर ये मैंने किया ओके। अब देखिए यहाँ पर पासवर्ड आया, तो सॉरी ये पासवर्ड अगर आपको जिससे भी आप लेते हो वो आपको जो है पासवर्ड उठाएगा। आप करेंगे ओके और ये देखिए यहाँ पर जो है ये स्ट्राइक होना जो है ये चालू हो गया है। अब ये पूरी तरीके से जो है स्ट्राइक हो जाएगा। उसके बाद जो है किधर जाना है, कैसे करना है, पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप जो है आप देखिए, क्योंकि ये वाला जो है ओरिजिनल महिंद्रा का सॉफ्टवेयर जो 390 डेज वाला जो 990 डेज वाला जो आता है वो। अब इसको जो हम लोग राइट क्लिक करेंगे, रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव करेंगे। जैसे ही आप रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव करेंगे तो ये परमिशन मांगेगा, यस कर देना है सिंपल। यहाँ पर जो है नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट इंस्टॉल करना है। अब देखिए इसको जो है हम लोग को ये सॉफ्टवेयर को जो है इंस्टॉल करना है और ये जो है इंस्टॉल होने में टाइम लगता है। तो मैं थोड़ा जो है इसको पाउच करता हूँ वीडियो को, तो थोड़ा देर में पाउच करता हूँ, जब ये पूरा हो जाएगा तब मैं। कि आप देख सकते हो ये वाला जो है अभी 53.4% हो गया है और ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि ये बड़ा सॉफ्टवेयर होता है और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है ये, और इसका जो तरीका होता है कुछ अलग है, मैं आपको जो है बताता हूँ। यहाँ जो है ये 96 हो चुका है हमारा, 96.54, और मैं इससे पहले ही जो ले लिया हूँ मैं मोबाइल हाथ में, कि आपको जो है पूरी तरीके से जो है अच्छे से समझ आए कि किस तरीके से जो है ये होता है। अब जो है ये बोल दिया है फिनिश, फिनिश कर देने का। अब जो है इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करेंगे हम, और यहाँ देख सकते हो आप नीचे जो है कॉर्नर में जो है हमारा ये आ गया। अब इसको जो है मैं रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव करूँगा। हाँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटिव, ये परमिशन मांगेगा, करना है यस। जैसे ही आप यस करोगे तो ये देखिए यहाँ पर जो है लोडिंग पीसी इन्फो गेट सीपीयू इंफॉर्मेशन, ये इस तरीके से जो है आ गया। ये देखिए ये आ गया हमारा, अब इस तरीके से जो है ये एक्टिवेशन आ गया हमारा। अब यहाँ पर जो है क्या करना है, सेव आईडी, सेव सॉफ्टवेयर आईडी टू हार्डवेयर टैक्स। अब इसको यहाँ पर हमारे को क्लिक करना है और यहाँ पर जो है अब सेव हो गया, यहाँ पर देखिए ये सेव हो गया है। ये कहाँ पे हमारा सेव हुआ है, तो इसको जाइएगा तो माय पीसी में, ये देखिए यहाँ पर लोकल सी ड्राइव में माय पीसी में। तो इसको मैं क्या करूँगा कि यहाँ से कट करूँगा, पहले इसको एग्ज़िट करें, उसके बाद यहाँ से जो है इसको मैं करूँगा कट और मैं चले जाऊँगा फिर से मेरे डाउनलोड्स में, या नहीं तो मैं डॉक्यूमेंट में जाकर यहाँ पर जो है मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ये मेरा पेस्ट हो गया। अब मैं व्हाट्सएप ओपन करूंगा, व्हाट्सएप ओपन करने के लिए मैं वेब व्हाट्सएप पे जाकर, ये मेरा व्हाट्सएप ओपन हो रहा है, ये व्हाट्सएप ये ओजिल शेख को जो है हम लोग भेज देंगे। मैं हूँ ये डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट में जाकर जो है ये मेरा इसके अंदर जाएगा और ये मैंने सेलेक्ट किया और ये सेंड कर दिया। अब जो है मेरे पास ये आएगा, उसके बाद मैं इसको जो है इसका
आईडी दूंगा, उसके बाद जो है इसको हम लोग फिर कैसे करेंगे तो नेक्स्ट में आप जो है मेरा व्हाट्सएप पे जो है मैं इसको एक्टिवेट करके जो है मैं भेज चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है आ गया है, सॉफ्टवेयर की आ गया है हमारा। अब मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा और इसको मैं ओपन करूँगा। ये मैंने ओपन किया, यहाँ पर देखिए ये इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ जो अच्छे से समझ में है। अब ये बोल रहा है पीसी लोड करना है, यस। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है ओपन द फाइल विथ एक्टिवेशन की, ओके करना है। ओके करने के बाद जो भी हमारा एक्टिवेशन की जो आया है जैसे कि ये वाला है, मैं इसको ओके करूँगा। अब ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन द प्रोग्राम इज रजिस्टर्स एंड जो भी लगता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर दिया है, यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे हमारा पूरा सॉफ्टवेयर जो है ये हो गया हमारा। अब ये पूरा सॉफ्टवेयर जो है हमारा लेटेस्ट वर्जन देखिए यहाँ पर मेरा ये खुल गया महिंद्रा राइज, ठीक है। तो महिंद्रा राइज का जो है ये मेरा खुल गया। अब देखिए यहाँ पर जो है मेरा आया, अब मैं इसको जो है टैप स्कैन करूँगा और ये कंटिन्यू करूँगा। अब कंटिन्यू में किया तो देखिए यहाँ पर डायग्नोस का आ गया चार्ट। जब हम लोग डायग्नोस पर क्लिक करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर थोड़ा खुलने में टाइम लगता है, जैसा कि ये खुल गया। अब देख लीजिए कौन कौन सी जो है गाड़ी है इसके अंदर सब ऐड हो गई है, XUV 700 लेकर ये लेटेस्ट वाली जो है मुझे लग रहा है ये वाली जो है पुराने वाले सॉफ्टवेयर में नहीं है, जैसा कि ये वाली जो है XUV 380 जो है उस वाले मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर नहीं है। वहाँ पर जो है वहाँ पर भी काम चालू है तो इसमें वाले में नहीं है, लेकिन इस वाले में जो है लेटेस्ट वाले में जो है ये आ गया है। तो इसी तरीके से जो है आपको करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।